वजह से भी, और उसके अलावा भी नासिर भाई जिस तरह हमारी कम्युनिटी के साथ अटैच रहते हैं हर वक्त, किसी भी शोबे में जहाँ भी किसी भी पाकिस्तानी को ज़रूरत पड़ती है वहीं पे नासिर नागागावा मौजूद होते हैं। बहुत मुबारकबाद नासिर नागागावा। प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद इसी तरह आगे बढ़ाते हुए मैं दरख्वास्त करूँगा उर्दू नेट जापान के स्पॉन्सर कम पार्टनर न्यू हॉट मसाला के रूए रवान जनाब हाफिज़ खालिद महमूद भाई से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कीमती ख्यालात से जो हैं वो आगाह करें। जनाब हाफिज़ खालिद महमूद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सबसे पहले तमाम दोस्तों को यहाँ आने का बहुत बहुत इनका शुक्रिया जिन्होंने इस महफिल को सजाया। दूसरा नासिर भाई, ये इनकी काविशों से ही है अल्हम्दुलिल्लाह, गाहे बगाहे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं और किसी ना किसी बहाने से सब दोस्तों को इकट्ठा करते रहते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत आप सबका भी शुक्रिया, इनका भी शुक्रिया। बाकी इनका मैंने ये अभी किताब तो पढ़ी नहीं है, चूँकि अभी मेरे ख्याल इन्होंने पहले ओपन भी नहीं की शायद, तो इसमें मेरा ख्याल शायद वो कॉलम होगा एक मैंने पढ़ा था जिसमें शायद आप बाली का जजीरा था जिसमें आप गए थे ना, वो मैंने बड़ी दिलचस्पी से पढ़ा था क्योंकि आज तक इत्तेफाक नहीं हुआ था। अक्सर दोस्तों से सुना था कि वो बाली को ऐसा मकाम है, तो इस तरह मेरा ख्याल काफ़ी जो भी दोस्त अहबाब हैं अगर वो किसी जगह पर नहीं गए हुए तो मेरा ख्याल काफ़ी ज़्यादा उन्हें जो है ना इससे मालूम हासिल होंगी अगर वो इनकी ये किताब लेते हैं। बकाया इरफान भाई ने कहा है चूँकि ये सफ़र करते हैं तो ज़ाहिर बात है खर्चे अखराजात आते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि सबको जो है वो पार्टिसिपेट करना चाहिए इनके साथ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह इनको और हिम्मत दे और ये घूमते रहे, और मेरी कोशिश है कि आप कुछ जो है ना ये दुनियादारी के साथ साथ कुछ इस्लाम के बारे में जो है ना कुछ मुख्तलिफ, जब आप कंट्रियों में जाते हैं तो किसी मस्जिद का या कुछ ऐसे जो कुछ मकाम ऐसे हैं तो उनके लिए भी आप कोशिश करें। जज़ाक अल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।